बिहार में कुकुर मुत्ते की तरह फैल चुके भोजपुरी सिंगर, आपको कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाना चाहिए, एक चुल्लू पानी लेना चाहिए और उसी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, एक गाना है जो कि भक्ति गाना उन्होंने रिलीज किया है आदि शक्ति फिल्म से, और उस गाने का जितना भी अर्निंग होगा वो बाढ़ पीड़ित को जाएगा, उनका मतलब कहना है ये। पवन भैया से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप साल में एक ही बार खाना खाते हो? क्या आप साल में एक ही गाना गाते हो? नहीं ना, आपका फर्ज बनता है कि चढ़ बढ़ के बाढ़ पीड़ितों का मदद करना चाहिए आपको, क्योंकि भोजपुरी के जो भी ऑडियंस है, लोग हैं, आपको इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और पैसे की तो आपके पास कमी नहीं है। आपके गाना, एक गाना 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख से कम बिकता नहीं है, फिर भी आप एक गाने को दान कर रहे हो। एक गाना कितना अर्निंग होगा? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जैसा व्यूज जाएगा गाने का, अधिकांश 5 से 10 लाख रुपया मान के चलो कमाई करेगा एक गाना। वो भी गाना ज़्यादा वायरल तो होगा, तभी तो कमाई होगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि 5 या 10 लाख रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए कम से कम आपको 20 से 25 लाख का मदद करना चाहिए था, या वहाँ पे जाके खुद जो परेशान हैं, जिसका घर ढह गया, खाने को ठिकान नहीं है, उनको तंबू देना, उनको खाना खिलाना, ये सब व्यवस्था करना चाहिए आपको, जब तक स्थिति सही ना हो जाए तब तक, क्योंकि आप एक भोजपुरी कलाकार हो और भोजपुरी के साथ साथ आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, आपके बहुत ज़्यादा फैन हैं, इस चीज़ से असर पड़ता है, समझना पड़ेगा। बाकी आप लोग पवन सिंह के बारे में क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों, आप लोग देख रहे थे अर्जुन भोजपुरी 95 को। मेरा कहने का मकसद बस एक ही है कि आप लोग भोजपुरी से बहुत कमाते हो पैसा, तो कम से कम अपने भोजपुरिया भाई को मदद कर सकते हो, जो बाढ़ में दह रहे हैं, बह रहे हैं, जिसका घर है, नुकसान हो रहा है, उनका आप लोग कम से कम रोटी का व्यवस्था बनवा ही सकते हो, रहने का जुगाड़ करवा ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो। बाकी सरकार है जो मुआवजा देने के लिए, हेल्प करने के लिए।